विशाल पत्रकार सम्मान समारोह बना इटावा का ऐतिहासिक कार्यक्रम। इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत के बैनर तले इटावा में आयोजित किए गए विशाल पत्रकार सम्मान समारोह में आज 12 जिलों के 200 वरिष्ठ पत्रकारों को पगड़ी, अंगवस्त्र, पुष्पहार, प्रतीक चिन्ह व गीता भेंट कर सम्मानित किया गया। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि आज तक जिले में ऐसे ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। यह कार्यक्रम हमेशा इटावा की धरती पर एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में जाना जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध संत अनिल गुरुजी व इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार जी ने स्वयं सभी पत्रकारों को पगड़ी, पुष्पहार, अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील कुमार जी ने कहा कि हमारे संगठन का उद्देश्य पत्रकारों पर हो रहे अत्याचार को रोकना व मुसीबत में फंसे पत्रकारों की मदद करना है। उन्होंने कहा यदि हमारे संगठन के किसी भी पदाधिकारी या सदस्य के साथ कोई अन्याय होता है तो दिल्ली से 200 लोगों की टीम के साथ अपने उस पत्रकार के साथ खड़े होंगे। हम अपने संगठन के किसी भी पदाधिकारी के साथ अन्याय हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में इस संगठन के प्रदेश प्रभारी सुगर सिंह, जिला अध्यक्ष इटावा पुष्पराज, मीडिया प्रभारी प्रशिकांत उर्फ संदीप गौतम, राजीव यादव आदि सभी लोग मौजूद रहे। जिला संवाददाता इटावा से पवन सिंह की रिपोर्ट। भारत द्वारा इटावा में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें 12 जिले के सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने भाग लिया और नोएडा, दिल्ली से कई हमारे अतिथियों ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सुशील जी, रमन ठाकुर जी, चौधरी शेषन जी, तमाम हमारे वरिष्ठ, हमारे अभिभावक, हमारे संरक्षक मंडल ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर के बहुत कार्यक्रम को भव्य बनाया है। और इटावा जिले का ये पहला ऐतिहासिक कार्यक्रम है जिसमें 12 जिलों के पत्रकार और वो भी वरिष्ठ पत्रकार एक साथ सम्मानित किए गए हों और पूरे जो हमारे पत्रकार साथी जो बाहर के उनको सबको बहुत बधाई। और विशिष्ट अतिथि जो आज रहे हैं कार्यक्रम संचालक मंडल हमारे गणेश ज्ञानार्थी जी और अय्या प्रेस क्लब हमारे अध्यक्ष जी, सभी हमारे अतिथियों को बहुत बहुत बधाई और इटावा जिला कार्यकारिणी की पूरी टीम को, सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने बहुत सहयोग किया और एक इतिहास दिया इटावा के इस कार्यक्रम में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की जो उत्तर प्रदेश की टीम है और इसके प्रभारी जो सुगर सिंह जी हैं, पूरी कमेटी ने डिसाइड ये किया कि जो हमारे 12 जिलों के सम्मानित पत्रकार हैं जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, वो 12 जिलों में पत्रकारों का चयन हुआ और आज के दिन उन सब लोगों को सम्मानित किया गया। लगभग 200 की संख्या में पूरे प्रदेश भर से पत्रकार यहाँ पर आए इटावा में और उन लोगों को सम्मान पत्र वितरित किए गए। मैं इस आयोजन के लिए यहाँ की जिला कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश प्रभारी सुगर सिंह जी व सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बारिश का मौसम होने के बावजूद भी इतना जोश और हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम का समापन किया और बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम इटावा जिले में आज सम्पन्न हुआ। सर, जिस प्रकार से पत्रकारों के साथ में उत्पीड़न होता रहता है, इस संबंध में क्या कुछ कर रहे हैं? ये जो हमारी संस्था है इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया एसोसिएशन, इसका मेन उद्देश्य ये है कि ग्राउंड जीरो पे जो हमारे पत्रकार साथी हैं उनको जो समस्याएं आती हैं या उनको कोई परेशानी आती है, उनका उत्पीड़न होता है या उनका शोषण होता है, उस मुद्दों को उठाने के लिए ही हमारा मेन उद्देश्य है और ये संस्था जो है हमारी इसी उद्देश्य के लिए बनी हुई है। हम पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी टीम है और हम आह्वान करेंगे किसी भी पत्रकार बंधु के साथ कहीं भी कोई अत्याचार होता है, कोई अन्याय होता है तो वो हमसे संपर्क करें। हम यथासंभव सरकार से भी बात करेंगे, संगठन से भी बात करेंगे और जो भी पुलिस प्रशासन इसमें हेल्प कर सकता है उन लोगों की, उन लोगों से बात करके आगे कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। उसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि जैसे जो पत्रकार बंधु हमारे ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, उनको रिपोर्टिंग करते हुए बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनको भी मैं आश्वस्त करता हूँ किसी भी प्रकार की अगर समस्या आपके साथ हो रही है ग्राउंड जीरो पे, हमारी टीम इतनी क्षमता रखती है कि दिल्ली से 200 आदमी आपके उत्तर प्रदेश के या हिंदुस्तान के किसी भी कोने पे तत्काल पहुंचने का काम करेंगे और आपके साथ कंधा से कंधा मिलाने का काम करेंगे।